एवरीवन, आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। मैं सुष्मिता एक विमान परिचारिका हूँ। कैबिन क्रू होने की वजह से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मैं भारतवर्ष में ट्रैवल कर सकूँ, और मुझे ज़्यादातर रिलीजियस प्लेसेस जाना बहुत पसंद है। तो मैं हैदराबाद में हूँ, और मुझे एक्चुअली ऑटो ड्राइवर से पता लगा, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं, वो भी एक हनुमान भक्त हैं और मैं भी हनुमान भक्त में ट्यूसडे का फास्ट करती हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप करमान घाट हनुमान टेम्पल जाइए, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली टेम्पल है। तो आइए मैं आज आपको करमान घाट कैसे पहुँचना है उसके दर्शन करवाऊँगी, और वर्चुअल दर्शन भी करवाऊँगी, और आपको उसका पूरे टेम्पल का टूर करवाऊँगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊँगी। देखिए गाइस, तो मैं करमान घाट हनुमान टेम्पल पहुंच चुकी हूं। इस टेम्पल की बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हनुमान टेम्पल है ये। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में हमारे एक रूलर थे, जो हिंदू रूलर थे, वो जब विश्राम करने के लिए यहाँ पे बैठे थे इस जगह पे, तो उन्होंने लॉर्ड रामा की जय श्री राम करके एक चैंटिंग सुनी थी। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी का स्टैचू है, और अंदर से उस स्टैचू की ये आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने तब डिसाइड किया कि यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण वो करेंगे। टेम्पल के अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। आपको इस जगह से यहाँ पे एक टिकट खरीदना पड़ेगा इस जगह से, तो आप अंदर मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ से टिकट लेते हैं, आप अंदर जाएंगे, आपको वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होगी, लोग इमोशनल होते हैं, लोग सुंदर कांड कर रहे हैं, लोग बजरंग बाण हनुमान चालीसा कर रहे हैं और मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एक भक्त ने मुझे प्रसाद दिया, जो मेरे लिए बहुत ही सफल अच्छा लगा देख के, क्योंकि मेरा फास्ट था। और यहाँ पे देखिए श्रद्धालु, तो हर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, और लोग 7 बार इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में बोला गया है जो 7 बार पाठ कर कोई, तो 7 बार यहाँ पे हनुमान चालीसा होती है। ये मंदिर बहुत शक्तिशाली है। कहा जाता है जब औरंगजेब हमारे कंट्री में रूल करते थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश के बहुत सारे मंदिर डिस्ट्रॉय किए, बट जब वो इस मंदिर को तोड़ने आए तो यहाँ से अंदर से बहुत तेज से चीखें निकली, इस वजह से वो इस मंदिर को नहीं तोड़ पाए। ये बहुत ही मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। मैंने, मेरा भी उस दिन फास्ट था, मैंने भी अपने सारे रिचुअल्स पूरे किए, बजरंग बाण हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की कुछ पंक्तियाँ मैंने कही, और मेरा दिन सफल हुआ, मेरा व्रत पूरा हुआ, और मुझे बहुत खुशी हुई। गाइज, आप कभी भी हैदराबाद आते हैं तो इस मंदिर को विज़िट करना मत भूलिएगा, ये बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। जय श्री राम।